Hello student, good morning. Today I am going to start chapter 4. Now start multiply. बच्चो multiply question solve करने के लिए आपको सबसे पहले tables learn होने चाहिए. आप सभी को 2 से 20 तक tables learn होने चाहिए. इसके लिए आपको daily tables learn करने हैं. ओके आप regular 5-5 भी learn करेंगे तो आपको 20 तक tables learn हो जाएंगे. ओके बच्चो now start question number 1. 5 × 3 = 15. कैसे? क्योंकि मैंने 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा है. अब 3 × 5 = 15. अगर आपको टेबल लर्न है तो आप ऐसे ही बोलेंगे. अदरवाइज आप कैसे कहेंगे? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15. बच्चों ऐसे नहीं, आपको डायरेक्ट अगर लिखा है 3 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ना है तो आपको 3 का टेबल डायरेक्ट 5 बार पढ़. ओके ऐसे 3 × 5 = 15. सेकेंड 6 × 4. ओके तो यानी 6 × 4, 4 का टेबल आपको 6 टाइम्स पढ़ना है, यानी कि 4 × 6 = 24. एंड 3 × 6, 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? यस 6 टाइम, या 6 का टेबल 3 टाइम्स. आंसर इज सेम. ओके तो क्या होगा? आंसर विल बी 18. 3 × 6 = 18. बच्चों अब ये दो क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको नीट एंड क्लीननेस का ध्यान भी रखना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज करते समय सबसे पहले डेट मेंशन करना है, चैप्टर नेम, देन एक्सरसाइज. ओके बच्चों तो आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन करेंगे और रेगुलर अपने वर्क पर ध्यान देंगे. ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे.